ओके सो विदाउट एनी इंट्रो लेट्स क्विकली बिगिन, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं करने को। तो जल्दी से सवाल की प्रॉब्लम प्रैक्टिस के ऊपर अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी तक अपन ने सर्कुलर मोशन लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया था, तो सर्कुलर मोशन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कंस्ट्रेंट मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का एक भंडार है आपके सामने। तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, और अगर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो हम उसे ऐसा एज असाइनमेंट भी सॉल्व कर लेंगे, या फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उनको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है जी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपके लिए ये रहा, ए मास इज सपोर्टेड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सर्फेस। फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सर्फेस, सर्फेस कैसी? हॉरिजॉन्टल। इट इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग एंड रोटेट्स अबाउट ए फिक्स सेंटर एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट। तो देखो सवाल समझ में आया, जितना समझ में आया उतना उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करो। क्या बोला है सर? फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सर्फेस है, इट इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग एंड रोटेट्स अबाउट ए फिक्स सेंटर। तो यहाँ पे ये आपकी फिक्स सेंटर हो गया, यहाँ से आपने एक मास को अटैच कर दिया और इसको आपने रोटेट कराया, ठीक है सर। यहाँ तक की बात समझ में आई। और आपको ये बोला है कि इसकी जो एंगुलर स्पीड है दैट इज ओमेगा नॉट। इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड द एंगुलर वेलोसिटी आर डबल्ड देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग विच वॉज इनिशियली टी नॉट इज नाउ। तो पहली चीज क्या कर रहा है ये? सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन कराने के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स होता है, सेंटीपिटल फोर्स होता है, वो यहाँ पे कौन प्रोवाइड करा रहा होगा? ऑब्वियसली टेंशन प्रोवाइड करा रहा होगा। सो टेंशन इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर लेंथ अगर मैं मान लेता हूँ तो एल, ठीक है। सो दिस इज द केस, ठीक है। नाउ वट वी आर डूइंग, इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एंगुलर वेलोसिटीज आर डबल्ड। तो जैसे अगर आपकी नॉर्मल स्पीड है, एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट है, लेंथ एल है, तो उस केस में जो टेंशन आ रहा है स्ट्रिंग में दैट इज टी नॉट एंड इट इज इक्वल्स टू एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एल। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर वन। नाउ आपको क्या बोला है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एंगुलर वेलोसिटी आर डबल्ड देन द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग विच वॉज इनिशियली टी नॉट इज नाउ। तो देखो अब क्या करना है आपको, ओमेगा को चेंज करना है किस में? टू ओमेगा नॉट में, और लेंथ को भी चेंज करना है 2L में। तो जब आप यहां पे ये करोगे देन सुबह के 3 बज रहे हैं, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके सो यहाँ पे क्या हो गया फिर? लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को, लेंथ की वैल्यू। हाँ ठीक है, टेंशन कितना आ गया M, ओमेगा की वैल्यू 2 ओमेगा नॉट इसका स्क्वायर, लेंथ की वैल्यू 2L। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आई अपने पास? 4 2 8, 8 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एल, और m ओमेगा नॉट स्क्वायर एल की वैल्यू कितनी दे रखी? टी नॉट। सो यहाँ से जो टेंशन में इंक्रीमेंट आया दैट इज इक्वल्स टू 8 t नॉट। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस टाइप के जेम के अंदर आपके सवाल आ सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इतने इतने ही लेवल के आएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर वन। ओके क्या सवाल है सर? थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो ऐसा भी आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, इट हैज कॉन्स्टेंट। पहली चीज, यूनिफॉर्म स्पीड है और सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो क्या चीज कॉन्स्टेंट होगी? ये मैंने आपको जब सर्कुलर मोशन पढ़ाया लास्ट लेक्चर के अंदर तब भी बहुत इन्फोस्ड करके बताई थी बात, कि अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होती है क्या? नहीं सर, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, बट उसकी डायरेक्शन जो होती है वो चेंज होती रहती है एट अ पर्टिकुलर पेरिफेरी। इसका मतलब इट हैज कांस्टेंट वेलोसिटी? नो। इट हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन? मे बी। इट हैज कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी? यस। एंड इट हैज कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें से अगर अपन माने कि सर कौन सा चीज सबसे ज्यादा सही रहेगी, तब फिर से वापस अपन सोचते हैं इसको। देखो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और काइनेटिक एनर्जी एक इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सर? हाफ हाफ एम वी स्क्वायर, और वी बराबर क्या है? ओमेगा आर स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये तो कांस्टेंट होगी, नो डाउट। बट एक्सेलरेशन का अगर देखा जाए तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इन केस ऑफ ओरिजन अपन कह सकते कि हमेशा रेडियल ही है। जैसे अगर ये हमारा सर्कल है, इस सर्कल के अंदर आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। सो इस पार्टिकल के मूव करने पे जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज इनवर्टेड इन डायरेक्शन, ठीक है। इस डायरेक्शन में रेडियल एक्सेलरेशन,
अगर ये इस पॉइंट पे है तो रेडियल डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, अगर ये यहाँ पे है तो इस डायरेक्शन में, अगर यहाँ पे है तो इस डायरेक्शन में, अगर यहाँ पे तो इस डायरेक्शन में। तो देखा जाए तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दैट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, भले उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है बट इस डायरेक्शन इज चेंजिंग, दैट्स व्हाई मोर अप्रोप्रिएट आंसर शुड बी काइनेटिक एनर्जी। गॉट इट? ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर टू। नेक्स्ट, ए स्फीयर इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड ऑफ लेंथ एल, व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्ट। ऐसा साउंड कर रहा है कि मैं केबीसी के अंदर बैठा हूँ और आपसे सवाल जवाब कर रहा हूँ, इज इट? ए स्फीयर इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड ऑफ लेंथ एल, चलिए उसी की तरह करते हैं, व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट मस्ट बी इम्पार्टेड द बॉल फॉर इट टू रीच द हाइट ऑफ द सस्पेंशन। ऑप्शन ए है आपके पास जीएल, ऑप्शन बी है आपके पास 2GL, या ऑप्शन सी √GL, या ऑप्शन डी √2GL। तो देवियों और सज्जनों, आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? तो देखिए, हमारे पास ऑप्शन चूज करने का ऑप्शन नहीं है, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो सवाल समझते हैं पहले। सवाल क्या है, आपने एक स्फीयर को किसी सस्पेंशन पॉइंट से एल लेंथ की थ्रेड से बांधा है। सो लेट्स से ये एल लेंथ की थ्रेड है और यहाँ पे आपने इस स्फीयर को बांधा है। नाउ आप क्या करोगे, यहाँ पे कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें, मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी दें, जिससे ये सस्पेंशन के पोजीशन तक आ जाए। मतलब ये यहाँ से अपन इसको वेलोसिटी दी तो ये क्या होगा, सर्कुलर मोशन करता हुआ यहाँ पे पहुँचेगा। ओके, तो यहाँ पे पहुँचाने के लिए कितनी मिनिमम वेलोसिटी अपन को इसको देनी पड़ेगी। तो देखो, इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको एनर्जी के थ्रू भी कर सकते हो, बट स्टिल अभी तक मैंने एनर्जी इन्वॉल्व नहीं करी है, अभी हम सिर्फ न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। अभी तक आपका यूलर वाला जो कंसेप्ट था, यूलर ने ही करी थी ना, जो भी करा था यूलर ने ही एनर्जी को इन्वॉल्व किया था, तो वो वाला अभी तक आया नहीं है। सो लेट्स ट्राई कि इसको अपन वेलोसिटी से ही कर लें, इसको फोर्स से ही करें। तो देखो क्या हो रहा है, मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी That must be imparted the ball for it to reach the height of the suspension. तो try करते हैं equation of motion लगा के, वैसे energy से आसान पड़ता but मैंने भी कभी try नहीं किया equation of motion से। So let's see, अगर ये length L है, ये length भी L होगी, so अगर मैंने V velocity दी इसको, तो what would happen? G acceleration नीचे की तरफ लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। सो पहली चीज, अगर मैं इसको वी वेलोसिटी दे रहा हूँ, इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एल, और यहाँ पे आके इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है जीरो। सो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यानी एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो जीरो है, तो इसका तो कोई रोल नहीं होगा। अब बात करते हैं इस डायरेक्शन के अंदर, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो। सोचना पड़ेगा, बाकी एनर्जी कंजर्वेशन से क्या करोगे, सीधा यहाँ पे एनर्जी कितनी दे रखी है आपने, हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे कितनी कन्वर्ट हुई, एम जी एल, तो वी कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ टू जी एल। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। बट अगर इक्वेशन ऑफ मोशन से करना चाहें अपन, तो कैसे कर सकते हैं, सिंस अगर ये यहाँ पे मूव करेगा, जस्ट मैं सोच रहा हूँ है ना, तो अगर अपन यहाँ पे इसको एज्यूम करें, तो इस जगह पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, ये जी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बट टेंशन जो है, टेंशन है यहाँ पे। ओके, तो ये सर्कुलेट मोशन करेगा, लेट्स से यहाँ पे इसकी स्पीड जो है वो वेरी कर रही है। तो अगर यहाँ पे अपन देखा जाए, तो यहाँ पे अगर इसको वी वेलोसिटी दे दी, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा टी, दैट वुड बी एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, एम वी स्क्वायर अपॉन में एल इक्वल्स टू टेंशन। अब यहाँ पे भी रखना है इसको, इन दैट केस, इन दैट केस यहाँ पे सिर्फ एम जी है,
आई डोंट नो, मतलब ये देख के बताना पड़ेगा. ठीक है, फिलहाल के लिए इसको एनर्जी कंजर्वेशन से करता हुआ मानते हैं. बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में इसको इस तरीके से भी अगर कुछ कर सकते हैं क्या, बिकॉज इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं. थीटा चेंज हो रहा है तो यहाँ से टेंशन के भी कॉम्पोनेंट चेंज होंगे और काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही है. लेट्स सी. ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है. ठीक है, इसको स्टार करते हैं, इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं क्या, लेट्स सी. चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं. ए पार्टिकल रेस्ट ऑन ए टॉप ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर, फाइंड द स्मॉलेस्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट मस्ट बी इम्पार्टेड टू द पार्टिकल इफ इट इज टू लीव द हेमिस्फीयर विदाउट स्लाइडिंग डाउन इट. तो देखो सवाल क्या है, आपके पास एक हेमिस्फीयर दे रखा है, इस हेमिस्फीयर के ऊपर आपने क्या रखा है, अच्छा ये तो पैराबोला बन गया. इस हेमिस्फीयर के ऊपर आपने एक पार्टिकल को रख रखा है, इज रेस्ट ऑन द टॉप, ठीक है, ऑफ रेडियस आर. ओके, फाइंड द स्मॉलेस्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसको कितनी स्मॉलेस्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दें दैट मस्ट बी इम्पार्टेड टू द पार्टिकल इफ इट इज टू लीव द हेमिस्फीयर विदाउट स्लाइडिंग डाउन. बिना किसी स्लाइडिंग डाउन के इसको अपन को यहाँ से फेंकना है. तो अगर मैंने फेंका तो अगर इसको मेरे को स्लाइड नहीं कराना, इसका मतलब इस पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, अगर ये नॉर्मल फोर्स इसके सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा, इस स्पीड के साथ इसको फेंकूं जिससे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा एम वी स्क्वायर पर आर, दैट इज इक्वल्स टू इट्स नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स कितना है इसका एम जी. अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि ये इसके ऊपर किसी भी टाइप का फोर्स नहीं लगा रहा. सेम जैसे मान लीजिए आप वेइंग मशीन पर हैं और वेइंग मशीन पे आपका वजन कुछ दिखा रहा है तो एम जी की वैल्यू आपको दिखा रही है. अगर मैं किसी भी तरीके से आपके चारों तरफ चार्ज लगा दूं और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं तो आप क्या करोगे, आपका वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा वेइंग मशीन के अंदर. तो अगर मैं इतना कर दूं कि आपका ऊपर की तरफ लगने वाला जो वेट है वो एग्जैक्टली ऊपर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है वो एग्जैक्टली एम जी के बराबर हो जाए, इन दैट केस वेइंग मशीन क्या शो करेगी, जीरो. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर किसी भी टाइप का नॉर्मल फोर्स नहीं आ रहा है. तो ये सेम चीज आप यहाँ पे सोचिए, आपने क्या किया, इसको इस स्पीड के साथ फेंका कि इस पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर मैं नीचे से देख रहा हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एम जी के बराबर हो जाए, इन दैट केस यहाँ पे कोई सा भी फोर्स लग नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो विदाउट स्लाइडिंग जाएगा. आप जाएगा तो यहाँ से अपने पास वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ जी आर. दैट्स इट, ऑप्शन ए. ठीक है जी, ओके. नेक्स्ट सवाल, ए स्मॉल बॉडी ऑफ मास एम स्लाइड्स डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हेमिस्फीयर. अगेन उसी का थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल है. द सरफेस ऑफ द ब्लॉक एंड हेमिस्फीयर आर फ्रिक्शनलेस, पॉइंट इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए. द सरफेस ऑफ द ब्लॉक एंड द हेमिस्फीयर ऑफ द फ्रिक्शनलेस, द हाइट एट विच द ब्लॉक बॉडीज लूज कॉन्टेक्ट विद द सर्फेस ऑफ द स्फीयर. सेम वो कंसेप्ट जो अभी मैंने बताया था कि अगर किसी भी तरीके से मैंने किसी रस्सी से आपको बांध दिया है और आप वेइंग मशीन पे खड़े हो, मैं रस्सी से खींचता जा रहा हूँ तो वेइंग मशीन के ऊपर आप देखोगे कि जो वेट है वो कम दिखाई देने लग जाएगा. एक टाइम ऐसा आएगा कि मैंने इतना जोर से खींचा कि आपके वेट के बराबर मैं फोर्स लगा रहा हूँ इधर, उस केस में आप वेइंग मशीन पे क्या देखोगे, जीरो. उसका क्या मतलब है सर, कि अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो लगने वाला फोर्स है और डाउनवर्ड वाले डायरेक्शन के अंदर जो लगने वाला फोर्स है वो इक्वल हो गए. इक्वल होते ही नॉर्मल फोर्स कितना हो गया, जीरो. ठीक है, वहां पे कोई भी फोर्स फील ही नहीं कर रहा है. सेम अब ये सेम एनालॉजी अपन यहाँ अप्लाई करेंगे. द हाइट एट विच द ब्लॉक बॉडी लूज कॉन्टेक्ट, लूज कॉन्टेक्ट का मतलब क्या है कि इस पे लगने वाले फोर्सेस, सरफेस पे लगने वाले फोर्सेस अब है ही नहीं, वो इक्वेट हो चुके हैं. तो मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका द हाइट एट विच, किस हाइट के ऊपर, तो एच हाइट के ऊपर मान लेते हैं. तो यहाँ पे मान लीजिए इस पे लग रहा है एम जी नीचे, और ये एंगल अगर थीटा है, सो एम जी का एक कॉम्पोनेंट इधर एम जी कोस थीटा. अगर ये एम जी कोस थीटा, ये एम जी कोस थीटा एम वी स्क्वायर अपॉन में आर के बराबर हो गया, इन दैट केस ये क्या हो जाएगा, लूज कॉन्टेक्ट हो जाएगा इसका, इसका कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा. तो अब आपको क्या काम करना है, आपको यहां से यहां तक आने में जो स्पीड के अंदर इंक्रीमेंट हुआ
ठीक है, वही आपको पता करना है। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो, तो एम जी कॉस थीटा एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से क्या आएगा, ये आपका हाइट एच है, ये आपका आर है, सो कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, सो एम जी एच अपॉन में आर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, आर से आर कैंसिल, एम से एम कैंसिल। तो यहाँ से आपके पास जो एच आई है वो कितना आई है, एच आपके पास क्या आया, वी स्क्वायर अपॉन में जी, राइट, वी स्क्वायर अपॉन में जी। तो ऑप्शन द हाइट एट विच द ब्लॉक बॉडी लूज कॉन्टेक्ट विद द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज वी स्क्वायर अपॉन में जी, तो ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता। ठीक है, और चेक करते हैं, थ्री बाई टू आर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि रेडियस से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबिलिटी नहीं है। टू बाई थ्री आर मे बी, लेट्स चेक। तो इसको चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपने को सबसे पहले तो वी की वैल्यू पता होनी चाहिए यहाँ पे, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये है रेडियस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, आर माइनस एच, लेट्स सी अगर हो सकता है तो। ओके, तो यहाँ से वी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना अपन आराम से, क्या एम जी आर माइनस एच इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है अपने पास जी ब्रैकेट आर माइनस एच। ओके, सो ये वैल्यू जब अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आया, जी आर माइनस एच इक्वल्स टू टू जी ना, टू जी आर माइनस एच इक्वल्स टू टू जी आर माइनस एच इक्वल्स टू वी स्क्वायर। एक नए पेपर पे लेते हैं इसको, सारी इंफॉर्मेशन वापस से। ठीक है, तो यहां से अपने पास आ गया सर एम जी आर माइनस एच इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू जो इस पॉइंट पे होगी, वी वेलोसिटी वो अपन ने निकाली है, वो कितनी आ रही है, टू जी आर माइनस एच। ठीक है, अब आपकी एच की वैल्यू कितनी है सर, वी स्क्वायर अपॉन में जी। जब आप वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो वो कितना आएगा, टू जी आर माइनस एच अपॉन में जी, जी से जी कैंसिल, कितना आया, टू आर माइनस टू एच, और इधर टू एच इधर जाएगा तो थ्री एच इक्वल्स टू टू आर, सो एच की वैल्यू कितनी आ गई, टू आर बाई थ्री। सो थोड़ा सा पेशेंस रखा तो आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, गॉट इट। अच्छा सवाल है, बट पॉइंट ये अभी भी इसको भी अपन उसी तरीके से करेंगे, अभी तो एनर्जी कंजर्वेशन के साथ किया है, आई एम टू मच हैबिचुअल फॉर द एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो इसको अपन उस तरीके से भी सॉल्व करेंगे, इसको भी स्टार कर देते हैं। ओके, थ्री फोर एंड दिस इज फाइव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अ बॉडी ऑफ मास एम के जी इज रोटेटिंग इन अ वर्टिकल सर्कल एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ लेंथ आर मीटर, द डिफरेंस इन द काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द सर्कल। देखिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक टॉपिक है जो सिखाया जाता है आपको इन सर्कुलर मोशन, बट मैंने ये सोचा है कि मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा दूंगा। तो देखिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कराने के लिए देखा जाए सो, और ये एनर्जी कंजर्वेशन के बाद ही आता है यार, क्या करूँ। ठीक है, सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है, आपको मिनिमम स्पीड कितनी दे कि ये पूरा सर्कल कवर अप करे। तो अगर तो आपको मैं पहले बता देता हूँ, बाद में इसका प्रूफ भी बता दूंगा एनर्जी कंजर्वेशन से, बट फिलहाल नीचे अपन रूट फाइव जी आर देते हैं और ऊपर इसके पास रूट जी आर वेलोसिटी होती है। और ये रूट जी आर वेलोसिटी क्यों है, ताकि मेरी स्ट्रिंग जो है वो तनी रहे, और ये कब तनी रहेगी, जब नीचे लगने वाला एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर के। अभी सिर्फ आप इस इंफॉर्मेशन को रखिए, इसका प्रूफ प्रॉपर प्रूफ आपको एनर्जी पढ़ाऊंगा मैं तब बता दूंगा। तो यहाँ से वी की वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ जी आर। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी, फॉर ए वर्टिकल सर्कुलर मोशन, आई एम पॉइंटिंग आउट दैट पॉइंट है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए नीचे
बॉटम पॉइंट के ऊपर रूट 5gr वेलोसिटी चाहिए होती है, टॉप बॉटम के ऊपर रूट gr वेलोसिटी चाहिए होती है. ओके सर, द डिफरेंस इन द काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द सर्कल आर. अब ऐसे ये पूछा गया तो क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी एट टॉप और क्या पूछा है, बॉटम माइनस टॉप पूछा है, टॉप माइनस बॉटम, ठीक है पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, माइनस काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम. तो टॉप के ऊपर कितनी होगी, हाफ एम वी की वैल्यू कितनी, रूट जी आर, तो जी आर माइनस हाफ एम रूट फाइव जी आर, तो कितना आ गया ये टोटल 4gr, अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं 4gr बाई 2m, तो इसका मतलब कितना आ गया अपने पास, लगभग 2mgr के. तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, इसका प्रूफ यार अब एनर्जी कंजर्वेशन से करवाना पड़ेगा. तो आपको अभी तो रियलाइज नहीं होगा, बट जब आप भी एनर्जी कंजर्वेशन सीख जाओगे तो यू विल ऑल्सो यूज टू इट, बिकॉज बहुत आसान हो जाती चीज़ें. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं. टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस आर रिवॉल्विंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर वन एंड आर टू रेस्पेक्टिवली विद द सेम पीरियड. सेम पीरियड पूछा है, ठीक है, सेम पीरियड मतलब इसका भी टाइम पीरियड टी वन इक्वल्स टू टी टू है. T1 equals to T2, इसका मतलब 2pi by omega 1 equals to 2pi by omega 2 है. इसका मतलब omega 1 equals to omega 2. ठीक है, सिर्फ पहली लाइन से मैंने इतना सब कुछ एक्सट्रैक्ट किया. दूसरी बात क्या बोल रहे हैं कि ये सर्कुलर पाथ में रेडियस R1 और R2 के साथ मूव कर रहे हैं. देन द रेशियो ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स F सेंट्रीपिटल फॉर 1 डिवाइडेड बाई एफ सेंट्रीपिटल ऑफ टू. फॉर्मूला क्या होता है, एम वी वन स्क्वायर अपॉन में आर वन अपॉन में एम वी टू स्क्वायर अपॉन में आर टू. सिंस अपन ओमेगा वन ओमेगा टू में देख रहे हैं तो अपन ओमेगा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, एम ओमेगा वन स्क्वायर आर वन अपॉन में एम ओमेगा टू स्क्वायर आर टू. मुझे पता है ओमेगा वन ओमेगा टू बराबर, इसका मतलब क्या है, आर वन अपॉन में आर टू. ऑप्शन कौन सा सही है, तो आर टू बाई आर वन होना चाहिए. ठीक है, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना इसमें, ऑप्शन ए आर टू बाई आर वन अगर कर रहे हैं तो वो ही होगा, मतलब सेकंड वाले में. ओह सॉरी, सही तो है, हाँ सही है सही, आर वन अपॉन में आर टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ई बराबर टू पाई आर अपॉन में वी, हाँ सही है. चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ. द रेशियो ऑफ मिनिट हैंड एंड आवर एंड ऑफ ए वॉच इज, चलिए ये थोड़ा सा अच्छा सवाल हो सकता है, मिनिट हैंड और आवर एंड का रेशियो, रेशियो व्हाट, ठीक है टाइम पीरियड का रेशियो पूछा होगा, तो ये आपका मिनिट हैंड हो गया और ये आपका आवर एंड हो गया. आई गेस टाइम पीरियड ही पूछा जा रहा है तो ठीक है. तो मिनिट एंड एक्स वन रेवोल्यूशन इन 60 मिनट्स एंड आवर एंड एक्स वन रेवोल्यूशन इन 12 आवर्स, इज इट, नहीं हाँ ठीक है, हाँ तो 12 घंटे के अंदर कितने मिनट हुए, 12 into 60. ठीक है, अब इनका रेशियो अगर आपसे पूछा जाए तो मिनट बाई आवर लेना है, तो 60 divided by 12 into 60, 60 से 60 कट गया तो 1/12, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर. आसान सा था ये, अपने आराम से सीयूटी वगैरह के अंदर पूछे जाते हैं. ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज रोटेटिंग बाय मीन्स ऑफ ए स्ट्रिंग इन अ वर्टिकल सर्कल
डिफरेंस इन द टेंशन एट द बॉटम एंड द टॉप वुड बी, तो ये तो शायद हो चुका है ऑलरेडी, टेंशन के बारे में पूछा है। देखिए अगेन, मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन अभी तक पढ़ाया नहीं है आपको, वो एनर्जी के टाइम में पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिनको आप ध्यान में रखिए अभी के लिए, कि नीचे इसकी वेलोसिटी कितनी होती है स्क्वायर रूट ऑफ 5gr, और ऊपर इसकी वेलोसिटी कितनी होती है gr। तो जो टेंशन की वैल्यू होगी वो आपको दोनों पॉइंट के अंदर कैलकुलेट करनी है और डिफरेंस निकालना है, सेम जैसे अपन ने अभी तक काइनेटिक एनर्जी के लिए किया था। तो टेंशन एट ए एंड बी, सो टेंशन एट बी क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, यानी 5mg। टेंशन एट ए कितना होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, यानी कि mg। सो टेंशन बी माइनस टेंशन ए अगर मैंने निकाला तो वो कितना निकल के आया, 4mg। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, सही है जी, डन। यहां तक क्लियर है, एक बार वापस से देख लीजिए। वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराऊंगा मैं, चिंता ना करें उसके बारे में, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है। ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज हेल्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल बाय अप्लाइंग अ फोर्स एफ, एंड कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक इज म्यू। दोनों के बीच में जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है वो आपको दे रखा है म्यू। अब आपसे पूछा है द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एफ दैट कैन डू इज, मतलब एफ की वो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। पहली चीज़ तो आपको एंगल भी नहीं दे रखा है, तो आपको एंगल भी इस तरीके से मेजर करना है कि हाँ उससे आप स्मॉलेस्ट एफ निकाल सको। तो दिस इज द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन, क्या करेंगे, मान लीजिए कि अपन ने इसको थीटा एंगल के ऊपर अप्लाई किया, तो एफ के आप दो कॉम्पोनेंट करोगे, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा, ठीक है। मैंने दो डायग्राम नहीं बनाए ना इसके, लेट्स सी अगर ट्राई करते हैं। कॉपी जस्ट गिव मी अ सेकंड, अगर एक प्लेन जगह मिल जाए अपने को तो कहने ही क्या, नहीं मिल रही है। वाओ, मुझे आज पता पड़ा इसको ऐसे यूज करते हैं, ओके चलिए बहुत अच्छा। देखिए क्या करना है, एफ के दो कंपोनेंट किए, इस डायरेक्शन में एफ कोस थीटा और इस डायरेक्शन में एफ साइन थीटा। अब चूंकि एफ साइन थीटा इधर है तो इसको नीचे की तरफ कौन खींच रहा है, एम जी, तो इसकी जाने की टेंडेंसी किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, कितना लगेगा, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। अब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कितना है, क्या ये एम जी है, नहीं सर, एम जी तो नीचे लग रहा है, इस सरफेस पे कौन नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, एफ कोस थीटा। सो एन कितना, एफ कोस थीटा, और क्योंकि ये रुका हुआ रखना चाहिए तो इसका मतलब जो ऊपर वाले फोर्स हैं और जो नीचे वाले फोर्स हैं दैट वुड बी इक्वल। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू, सॉरी कौन कौन से फोर्स हैं ऊपर, ऊपर है एफ साइन थीटा फ्रिक्शन, तो एफ प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू किसके, एम जी के, हुआ बहुत अच्छा। तो यहां से एफ की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, म्यू एन, सो म्यू एफ कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी, राइट। अब क्या करेंगे, ये आपकी इक्वेशन हो गई, इट इज वेरिएबल विद थीटा, इसके अंदर जो वेरिएबल है वो क्या है, थीटा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थीटा का वो एंगल पर्टिकुलर मेजर करेंगे जिसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस फोर्स को स्मॉलेस्ट कर सकते हो। तो हमने क्या किया, डेल बाई डेल थीटा किया, डी बाई डी थीटा किया पूरे का, तो डी बाई डी थीटा और एम जी किया तो वो तो जीरो आ जाएगा। तो यहां से क्या आया मेरे पास, म्यू एफ साइन थीटा नेगेटिव का प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आई मेरे पास कितनी, वन बाई म्यू, राइट। अब इस टेन थीटा की वैल्यू को जब मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरा एफ मिनिमम मेरे को मिल जाएगा, कैसे सर,
देखिए यहाँ से आपके पास इक्वेशन में क्या है, म्यू एफ कॉस थीटा और इसके साथ में कौन है, एफ साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल किसके, एम जी के। तो जब आप एफ कॉमन लेंगे अंदर, तो अंदर क्या बचा, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने कॉस थीटा या थीटा के फॉर्मेट में ही क्यों समझा, देखो उसका रीजन है क्या कि एफ की तो आप कितनी भी बड़ी वैल्यू रख सकते हो, बट आपको इस तरीके से सोचना है कि एंगल के कोरस्पॉन्डिंग मैं मिनिमम एफ कैसे चूज करूं। देखो अगर आपको ब्लॉक को यहीं पर सटा के रखना है तो आप तो इन्फाइनेट अमाउंट ऑफ फोर्स लगा सकते हो, 100, 200 न्यूटन, 300 न्यूटन लगा सकते हो, बट अगर आप दिमाग लगाओ कि मेरे को क्वांटिटी नहीं, मुझे सिर्फ एंगल देखना है, तो एंगल देख के मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, तो मुझे उस थॉट की तरफ जाना चाहिए। इसलिए मैंने बजाय एफ को वेरिएबल माने, मैंने थीटा को वेरिएबल माना। क्या कंसेप्ट समझ में आया, थॉट प्रोसेस समझ में आया, बस ये पकड़ में आना चाहिए। चलिए तो यहाँ से टेन थीटा अगर मेरा 1/μ है, तो यहाँ से क्या मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ, साइन थीटा क्या होगा, 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1+μ2, और कॉस थीटा क्या होगा, म्यू अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1+μ2। ये वैल्यूज पुट करिए यहाँ पे, सो एफ ब्रैकेट म्यू स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1+μ2 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 1+μ2 इक्वल्स टू एम जी। तो यहाँ से फोर्स कितना निकल के आ गया, एम जी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1+μ2। कैसे सर, एलसीएम लिया, ऊपर 1+μ2 बना, स्क्वायर रूट से एक पावर कट जाएगी तो ऊपर क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1+μ2। एक बार सिंपल सी एलजेब्रा है आप कीजिएगा, तो एफ की वैल्यू आपके पास आ गई एम जी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1+μ2। लेट्स सी, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, दिस इज एम जी, राइट। नीचे वाला म्यू एम जी, डन एंड डस्टेड। कैसा लगा सवाल, अच्छा है, इंपोर्टेंट डाल दीजिएगा इसको, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है आपसे जेस्ट के अंदर। ठीक है जी, चलिए और बढ़ते हैं आगे। देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ए थिन सर्कुलर रिंग रोटेट्स अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ए बेड एम्बेडेड इन द रिंग रिमेन्स एट अ रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू रिंग। ऐसा ही एक सवाल TIFR के अंदर भी आया हुआ था, बट डिफरेंस क्या था, उसके अंदर एक पैराबोला दे रखा था, यहाँ पे तो आपको एक सर्कुलर रिंग दे रखी है, वहाँ पे पैराबोला दिया था। अभी आएगा एक सवाल और वो मैं आपको होमवर्क दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। ए बीड एम्बेडेड इन द रिंग रिमेन्स एट अ रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द रिंग इन दिस पोजिशन शॉन इन द फिगर वैल्यू ऑफ थीटा मस्ट बी, थीटा की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए वो जो बेड है, वो जो आपका दाना है, वो दाना इस रिंग के ऊपर सटा रहे, ठीक है। तो अपन को वही फाइंड आउट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर से एक बार मैं वो जादू करके देखता हूँ बनता है क्या। ओके कॉपी एंड देन अगेन, अभी तो हुआ था, आई डोंट नो व्हाई, लगता है ये कॉपी नहीं हुआ सेटिंग से। ओके पता नहीं, चलो ठीक है फिर से बनाना पड़ेगा आई गेस। तो देखिए ये आपका सर्कुलर लूप है, अब इस सर्कुलर लूप को इस एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट आपने रोटेट कराया, ठीक है। तो जेड एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है और यहाँ पे आपका वो बेड है। अब होगा क्या, इसको रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, इस पे लगने वाला जो नॉर्मल फोर्स है, दैट नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट विल गिव मी व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स।
और उस सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से ये क्या करेगा, ये एक सर्कुलर मोशन के अंदर रिवॉल्व करेगा विदाउट ड्रॉपिंग डाउन। देखो n के अपन ने दो कंपोनेंट किए, दिस इज एंगल थीटा इफ, सो n cos थीटा n sin थीटा, नीचे की तरफ क्या लग रहा है इसको mg, राइट और ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो एक बार वापस से क्वेश्चन के पास चलते हैं। ए थिन सर्कुलर रिंग रोटेट्स अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सो ओमेगा दे रखा है आपको, तो अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो ओमेगा आपको दे रखा है, तो सेंट्रीपिटल एफ सेंट्रीपिटल कितना होगा, लेट्स से अगर इसकी रेडियस स्मॉल आर है तो एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर, ठीक है सर। आगे क्या दे रखा है, देन what would be the value of theta, okay, तो देखो आपके पास क्या है, ये centripetal acceleration कौन provide करा रहा होगा, n cos theta, so n cos theta equals to m omega square r, equation number one, and n sin theta किसके equal है, mg के, so यहाँ से आप क्या करोगे, पहला काम, ये अगर r है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले r और स्मॉल r में रिलेशन निकालना पड़ेगा, ये एंगल थीटा, दिस एंगल इज r, सो दिस इज आवर स्मॉल r, ओके देन लेट्स डू इट। और क्या बोला है, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, r cos theta इज इक्वल्स टू स्मॉल r, राइट सो आर की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करी तो यहाँ से एन कॉस थीटा इक्वल किसके आ गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा के, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, सो एन की वैल्यू आई मेरे पास एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर, ये इक्वेशन नंबर टू। तो इस वैल्यू को जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ से एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी जो है मेरे पास, एन की वैल्यू पुट करी तो क्या आया, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी, एम से एम कैंसल, यहाँ से साइन थीटा मेरे पास निकल के आया सर जी अपॉन में ओमेगा स्क्वायर आर, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स जी अपॉन में ओमेगा स्क्वायर आर, सो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। एक बार फिर से देखिए, वापस से मनन कीजिए, फिर मैं वापस से इसको रिपीट करता हूँ। ये अच्छा सवाल, क्योंकि इसी के ऊपर बेस एक थोड़ा सा एडवांस लेवल का सवाल मैं आपको होमवर्क दूंगा, तो वो आप कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में उसका जवाब जरूर दीजिएगा अगर आपसे सॉल्व हो पाता है तो, ठीक है। क्या सवाल है सर, आपको दे रखा है ए थिन सर्कुलर रिंग रोटेट्स अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ए बीड एम्बेडेड इन द रिंग रिमेन्स एट अ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिंग इन द पोजिशन शोन इन द फिगर, वैल्यू ऑफ थीटा मस्ट बी, थीटा की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए वो वहाँ पे क्या हो, स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर रोटेट करता रहे, ठीक है, एक स्टेबल पॉइंट के ऊपर रोटेट करता रहे, एक स्टेबल हाइट के ऊपर रोटेट करता रहे, किसी भी तरीके से आप सोच सकते हो। तो कंसेप्ट क्या है सर, पहली चीज सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स होगा वो इसको कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, तो ये अगर लूप के ऊपर चिपका हुआ है तो नॉर्मल फोर्स ही इसको वो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा होगा। अब इस नॉर्मल का भी कौन सा कंपोनेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट, तो ये एन जिसकी डायरेक्शन रेडियली सेंटर की तरफ जा रही है, इसके दो कंपोनेंट करेंगे, ठीक है, पहला कंपोनेंट करा एन कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट करा एन साइन थीटा, एन साइन थीटा विल बी बैलेंस्ड बाय एम जी एंड एन कॉस थीटा विल बी द डोमिनेंट विल बी द कॉन्ट्रीब्यूट इन द एफ सेंट्रिपिटल, एफ सेंट्रिपिटल इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, एन कॉस थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि कॉस थीटा वाला जो कॉम्पोनेंट है वही एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर है, एंड द रिमेनिंग एन साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम जी। नाउ वट वी आर डूइंग कि आर और स्मॉल आर के बीच में रिलेशन, तो अगर ये एंगल थीटा है सो आर कॉस थीटा वुड बी इक्वल टू स्मॉल आर, तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू आर कॉस थीटा जब मैंने इसमें पुट करी तो यहां से मेरे पास निकल के आया n की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल r, राइट यहां तक डन है।
अब बात करते हैं कि अब आप एंगल कैसे निकालोगे। तो मेरे पास ये जो दूसरी इक्वेशन थी n sin थीटा इक्वल्स टू एम जी, उसमें मैंने n की वैल्यू पुट करी m ओमेगा स्क्वायर r, और थीटा की वैल्यू निकाली तो वो आ रही है sin इनवर्स g अपॉन में ओमेगा स्क्वायर r, राइट। बहुत अच्छा, एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, काफी टाइम लगा इन क्वेश्चंस को ढूंढने में, और क्वेश्चन इस तरीके से ढूंढना चाहिए कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो उसमें पूरा। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन भी देखो आपका पूरा सर्कुलर मोशन रिवाइज हो जाना चाहिए, हर तरीके के लूप होल्स आ जाने चाहिए उसके अंदर, हर तरीके का सोचने का तरीका सब कुछ। तो देखते हैं कितना सक्सेसफुल रहता है, ये तो आप बताएंगे। डन, चलिए एक और सवाल, थोड़ा सा अच्छा सवाल है और। एन अर्थ सैटेलाइट ऑफ मास एम, देखिए मैंने अभी रिसेंट लेक्चर के अंदर आपको बताया था, एक केस लिया था जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट वाला, उसमें सैटेलाइट के बारे में बताया, ठीक है। तो सिमिलर केस के अंदर यहाँ पर भी वैसा ही कुछ सवाल है। एन अर्थ सैटेलाइट ऑफ मास एम रिवॉल्व्स इन ए सर्क्युलर ऑर्बिट एट ए हाइट ऑफ एच फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ हुज रेडियस इज आर एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ। सर्फेस के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू जी। द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इन द ऑर्बिट इज गिवन बाय, क्या पूछा है, जो आपका सैटेलाइट मूव कर रहा है जो कि आपकी एच हाइट के ऊपर है। चलिए मैं अब इस क्वेश्चन को आपस से डायग्राम से फ्रेम करके बताता हूँ। दिस इज योर अर्थ एंड लेट्स से दिस इज द ऑर्बिट ऑफ योर सैटेलाइट। तो थोड़ा सा मैं एंटर पे कर देता हूँ। ओके, क्वेश्चन में गिवन है कि यहां से यहां तक की हाइट जो है वो आर है और सरफेस से हाइट एच है, राइट, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो यहां से यहां तक आर और फिर यहां से यहां तक की हाइट एच, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई सेंटर से, आर प्लस एच, राइट। और यहां पे आपका क्या बेटा है, सैटेलाइट बेटा है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इन द ऑर्बिट इज गिवन, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। सो लेट्स से मान लीजिए v वेलोसिटी के साथ ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ओके। सो यहां पे रिवॉल्व कर रहा है तो इसको जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रहा होगा वो कौन प्रोवाइड करा रहा होगा, क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रहा होगा। तो क्योंकि ये सरफेस पे नहीं है तो आप डायरेक्ट यहां पे तो क्या जी तो लिख नहीं सकते, तो आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के पास जाओगे, दैट इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन में आर स्क्वायर एंड मोलार स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। और ये एम कौन सा है, लेट्स से इनको थोड़ा सा और स्पेसिफाई करके अगर लिखूं मैं, तो दिस इज मास ऑफ सैटेलाइट, दिस इज मास ऑफ सैटेलाइट एंड दिस इज मास ऑफ अर्थ, दिस इज मास ऑफ सैटेलाइट। तो एम से एम एस से कट गया और यहाँ से आपके पास क्या बन के निकला, वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन में आर, ठीक है। अब क्योंकि मुझे निकाला ही क्या है द वेलोसिटी, तब मैं क्या करता हूँ इसी को इसी तरीके से फ्रेम करता हूँ। तो मैंने क्या किया यहाँ पे v की वैल्यू लिखी स्क्वायर रूट ऑफ जी एम ई अपॉन में स्क्वायर अपॉन में स्मॉल r। अब स्मॉल r कितना है मेरा, r प्लस एच, आर प्लस एच, सो दिस इज और आंसर। बट जब मैंने ऑप्शन चेक किया तो ऐसा तो कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है सर, तो इसको थोड़ा सा मेरे को क्या करना पड़ेगा और मसाज करके रीअरेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है स्मॉल g इज नथिंग बट जी एम ई अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, क्या यही होता है। तो अगर मैं यहाँ पे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और आर स्क्वायर से डिवाइड करूँ, राइट, तो ये वाली जो चीज़ है, कौन सी वाली सर, ये वाली जो चीज़ है दैट बिकम स्मॉल जी। तो यहाँ पे मैं इसको स्मॉल जी अगर लिख दूँ तो यहाँ से ये वी की वैल्यू कितनी आ गई, जी आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच,
राइट। तो अब देखते हैं वहां पे से कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, जी आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस आर, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होगा कि आप एंड पॉइंट पे पहुंच जाओगे बट आपका आंसर और ऑप्शन के अंदर जो आंसर आ रहा है वो मैच नहीं करेगा, हो सकता है। तो घबराना नहीं है, थोड़ा सा सांस लो और फिर से देखो कि ये क्या चाह रहा है मेरे को आंसर के अंदर। तो मेरे को ये आंसर में जी चाह रहा है और मेरे पास जी था नहीं उस टाइम पे, तो मैंने क्या किया कि जी कैसे लाया जा सकता है, तो जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया और मेरा आंसर दिखने लग गया। तो दिस इज हाउ यू कैन डू ऑल्सो। एक बार वापस से देख लीजिए सवाल, रीड आउट कर लीजिए, लैंग्वेज समझ लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। डन। चलिए एक सवाल आपके लिए भी, देखिए ये सवाल आप ट्राई कीजिएगा, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर सिखाऊंगा HW। और ये वाला तो ठीक है, अभी अपन कर लेंगे। दिस इज ऑल्सो HW, सेम है, सिमिलर सवाल है ना। हाँ, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। तो अभी तो समय बचा नहीं हमारे पास, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप ये जो बचे हुए सवाल हैं वो ट्राई कीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर मैं ही कराऊंगा। और जिस सवाल के बारे में मैं बात कर रहा था, तो मैं पहले इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको हिंट ना मिले। ठीक है, तो पहला काम आपका इस सवाल को ट्राई आउट करना है। ठीक है, ये सवाल आप ट्राई कीजिएगा, बन जाना चाहिए आपसे। दिस इज अ TFR क्वेश्चन। बस आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट ये होमवर्क है, बाकी बचे हुए सवाल अपन फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी जाते जाते मैं ये वाला सवाल कर देता हूँ। ठीक है, क्या सवाल है सर, ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r 1 meter, इफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज v इक्वल्स टू 2t, नेट फोर्स ऑन द सर्कल एट t इक्वल्स टू हाफ इज। देखो सर्कुलर मोशन के अंदर आपकी स्पीड भी वेरी कर रही है, दैट मीन्स आपके पास दो टाइप के एक्सेलरेशन हो सकते हैं, वन इज a टेंजेंशियल एंड वन इज a रेडियल। तो मैंने आपको बताए थे आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं, a टेंजेंशियल एंड a सॉरी a रेडियल एंड a ट्रांसवर्स, a रेडियल एंड a ट्रांसवर्स। क्या था सर, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर एंड a ट्रांसवर्स क्या था, 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट, क्या यही था। अब देखिए क्योंकि आपकी रेडियस चेंज नहीं हो रही है, जैसे लिखा हुआ ना सर्कल ऑफ रेडियस 1 meter, 1 meter की रेडियस के अंदर ही मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहां से ओमेगा क्या होगा, ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर, और आर 1 है तो ओमेगा इक्वल्स टू वी। सो ओमेगा भी किसके बराबर है, 2t के, और वी भी किसके बराबर है, 2t के। और ओमेगा होता क्या है, क्या थीटा डॉट ही होता है, थीटा डॉट आपके पास है 2t। अब ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे ना, देखो क्या आ रहा है, जब आप r डबल डॉट निकालोगे तो वो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि रेडियस तो वेरी कर ही नहीं रही है, और यहाँ पे आप निकालोगे तो r की वैल्यू 1 माइनस थीटा डॉट स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर मतलब 2 × 4, 4t² सो आपका a रेडियल निकल के आ गया सर −4t². जब t की वैल्यू हाफ पुट करोगे आप तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1। देन a थीटा की बात करते हैं, तो अगेन यहाँ पे r डॉट है तो ये तो जीरो हो गया, यहाँ पे r की वैल्यू 1, थीटा डबल डॉट मतलब इसका एक और बार डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2। तो 2 की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे तो कितना आ गया, 2। तो यहाँ से a थीटा की वैल्यू आई अपने पास 2। अब आपसे पूछा है नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, नेट फोर्स का मतलब क्या होगा, ma। अब a के अंदर दोनों आएंगे, a रेडियल भी आएगा a ट्रांसवर्स भी आएगा, तो जब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या करोगे, आप इसका रिजल्टेंट निकालोगे, तो रिजल्टेंट कितना होगा, a का मैग्नीट्यूड वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ
ए आर स्क्वायर प्लस ए थीटा का स्क्वायर, तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो अगर फोर्स आपसे पूछूं तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा m इनटू मास ऑफ एक्सीलरेशन, m कितना है सर m इज 2 kg तो 2 रूट 5 न्यूटन। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको स्टार डाल लीजिएगा क्योंकि अगर आपने सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन कंसिडर करके इसको किया तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपने सिर्फ रेडियल मान के कर लिया, रेडियल एक्सेलरेशन एक आ गया इनटू टू किया तो 2 न्यूटन गलत, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलिए बाकी सवाल आप ट्राई आउट कीजिएगा, काफी अच्छे अच्छे सवाल है इसके अंदर, एक ये वाला, ये एंड दिस ऑल्सो, बहुत सी सवाल है, बहुत सारे सवाल है, एक घंटा बहुत कम पड़ जाता है, ठीक है, बट कोई नहीं, कुछ सवाल आप भी तो करेंगे तो ट्राई कीजिएगा इन सारे सवालों को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर विद द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, और थोड़े बहुत इन क्वेश्चंस को भी अपन थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ओके गाइस, सी यू, टाटा, बाय बाय।